विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के जन समर्थन में उत्तर प्रदेश में ये जो भीड़ का विजुअल देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बता दें कि मुकेश सहनी बलिया में अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने निकले थे और उस दौरान जब मुकेश सहनी आगे आगे चल रहे थे तो उनके पीछे हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो बढ़ रही थी और मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के जयकारों के नारे लगा रही थी। बता दें कि ये भीड़ बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा स्थित पीएन इंटर कॉलेज के है। दुबे छपरा में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के समर्थन में जहां पर विशाल जनसभा हुआ, वहां पर मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगा और उस दौरान जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं कि किस तरह से जो जनता का हुजूम है वो मुकेश सहनी और उनके पार्टी के जो नेता हैं उनके समर्थन में ये हुजूम उमड़ा था। इस दौरान जब मुकेश सहनी ने जनता को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत किया तो मीडिया से बातचीत करने के दौरान मुकेश सहनी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहा है, आप सुनिएगा। और हर साल में युवा को रोजगार देने की बात हुआ था, नौकरी देने की बात हुआ, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? क्या काला धन विदेश से भारत में आया है जो हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे? जो देखिए सरकार जो है लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और खास करके दिल्ली के सरकार, शौचालय देना, ये देना, ये सब चीजें तो देश के जनता का पैसे का, कोई आप मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं या कहीं अपने खजाना से नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप सही नहीं है। सही नीति तो ये होगा कि बच्चे को ऐसा शिक्षा दीजिए तो पढ़ लिख कर बेचारा नौकरी करेगा और अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने परिवार को चलाएगा। तो ये सारे चीजें लोग को आप चावल बांट रहे हैं या नमक बांट रहे हैं तो उसमें भी लोगों को कह रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, हमारा नमक का अदा करो। ये सब कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए, गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा मानना है कि देश में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, और हम लोगों का हमेशा संघर्ष रहा कि गरीब के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आज काम कर रहे हैं और देख ही रहे कि किस तरीके से जननायक नेता यहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह है, इस तरीके से वो तानाशाही के तरीके से इनका टिकट काट देना जनता के बीच में और जो जहाँ पे चापलूसी करेंगे उनको टिकट देना, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में खास करके जो लोग जनता के बीच में अच्छा काम करे उनको सरकार या पार्टी हर कोई उसको मदद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तानाशाही चल रहा है तो इसके लेके हम लोग आज मैदान में उतरे हैं अपने सम्मान के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और सुरेंद्र सिंह जी को जीत के भेजेंगे। लखनऊ में जाएंगे तो विधायक दल का नेता बनेंगे और उत्तर प्रदेश में मजबूती से मल्ला को साथ लेकर और जल छत्री और हमारे गण छत्री दोनों मिल जाएंगे और मैदान को निश्चित तौर पर 2027 का जो होगा वो वीआईपी पार्टी के अधीन में होगा। एक दो सवाल आपसे अहम करूंगा मुकेश जी, आप जिस तरह से बहुत सारी जितनी सरकारें अब तक आती गई हैं सबने गरीबी दूर करने की बात की है, गरीब को दूर, मतलब गरीबी तो दूर हुई नहीं, गरीब दूर होता चला गया। ये तो बात आप भी मान रहे ना, गरीब जवाब दे किनका, दिल्ली के सरकार का, जनताओं पर जनता भरोसा, किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे गरीब का बेटा आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। जैसे आज हमने आपको कहा कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जब खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे तो कोरोना काल में देखे कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा भूखा सोए नहीं, इसलिए उन्होंने स्कीम निकाला और गरीब के घर पे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।